श्री शिवाय नमोस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आई हम आपको बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। दोस्तों ये उपाय भिखारी को भी राजा बना देता है। दोस्तों ये उपाय उन लोगों के लिए जो पैसे से जुड़ी दिक्कत से बहुत ज़्यादा सामना कर रहे हैं या फिर उनके घर में हमेशा गरीबी छाई रहती है। देखिए दोस्तों, हल्दी का बहुत ही सुंदर सा उपाय जो पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया, बहुत ही सरल उपाय है और काफ़ी चमत्कारिक उपाय भी है। इसे करने के बाद दोस्तों कोई भी व्यक्ति धन की कमी से परेशान नहीं रहता है, उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों चलिए जानते हैं इस उपाय को किस दिन करना है और किस तरीके से आपको करना होगा। देखिए इस उपाय को करना बहुत ही आसान है। इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन करें। ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन ही करना है। दोस्तों गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करती हैं और आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहती है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको हल्दी की गांठ लेनी होगी जो कि साबुत हल्दी है, वो आपको 5 गांठ लेनी है, ठीक है। साथ में आपको एक देसी घी का दिया लेना है जिसमें आपको लंबी वाली बाती रखनी है और आपको फिर यहाँ पर लेनी होगी 1 लोटा जल, ठीक है। साथ में थोड़ी सी आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है पिसी हुई। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इन सारी सामग्रियों को लेकर जाना है किसी भी आम के पेड़ के पास। अगर देखिए आपको आम का पेड़ ना मिले तो आप केले के पेड़ के पास भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह, सबसे पहले आपको केले के पेड़ में या आम के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है, ठीक है। देखिए दोनों जगह पर आपको सेम तरीके से पूजा करनी होगी। अगर आपके पास आम का पेड़ है तो आप सेम इसी तरीके से पूजा करें और अगर आप केले के पेड़ के पास कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको पेड़ में जो जल चढ़ा देना है। अब आपको जो आपने देसी घी का दिया लिया है उस दिए को आपको प्रज्वलित कर देना है और अपने मन की जो कामना है वो कहनी है, ठीक है, भगवान विष्णु से आपको अपनी कामना कहकर दिए को प्रज्वलित कर देना है। अब आपको केले के पेड़ पर हल्दी जो पिसवी ली थी उस हल्दी को पानी में थोड़ा सा मिक्स करके आपको उसका केले के पेड़ पर एक टीका लगा देना है। साथ में आम के पेड़ पर भी आपको इसी तरीके से टीका लगाना है। फिर देखिए दोस्तों, आपने जो साबुत हल्दी ली है उन साबुत हल्दी को आपको पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उस पेड़ के नीचे आपको 5 हल्दियों को दबा देना है। अब आपको 2 मिनट के लिए वहाँ पर बैठकर हाथ जोड़कर आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। उनका नाम लेते हुए आपको अपने घर में जो पैसे से जुड़ी दिक्कत है उस दिक्कत की आपको कामना करनी है कि पैसे से जुड़ी दिक्कत मेरे घर में ना हो, आप मेरे घर में हमेशा वास करें। बस दोस्तों इतना सा उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने के बाद में फिर आपको अपने घर पर चले जाना है। दोस्तों इस उपाय को आप 2 से 3 गुरुवार के दिन करें, आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके घर में धन से जुड़ी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके कारोबार और व्यापार में आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे ही नए नए उपाय मिलते रहें।